आज हमें एक ऐसी जगह निकल गए हैं जहाँ पर बहुत घना जंगल है और उन घने जंगलों के बीच में अंग्रेजों का 150 साल पुराना बंगला है और उन बंगलों में आजकल अंग्रेजों की गूंज और किलकारियाँ गूंजती हैं। एक छोटे से गांव को पार कर हमें कच्चे रास्ता और विभिन्न चुनौतियों का सामना करके अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते ही गए। अंत में हमारे सामने एक सूखी नदी आती है जो कभी जलमग्न हुआ करती थी। तो हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार। और आज हम आ गए हैं सेनापानी बंगला, जो कि खटीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बंगला काफी पुराना है, जो अंग्रेजों का जमाना है। देख सकते हैं आप, तीनों कलर उतर गया है और जो भी दीवारें हैं, दीवारों का पेंट भी लगभग खत्म हो गया है। और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है सेनापानी बंगला, और जो कि काफी प्राचीन है। तो आगे चलकर हम बताते हैं इस बंगले के उसमें थोड़े पुराने पुराने तथ्य, कब का ये बंगला है और किस जमाने का है और किसने बनवाया था। चलो फिर आगे चलकर हम देखते हैं। ये बंगला 1889 का है, काफी पुराना है ये बंगला। और इस बंगले में बहुत ही शानदार कलाकारी दिखाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इस बंगले में शुद्ध लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत प्राचीन है। और इसमें ऊपर से टीन डाली गई है, जो कि अब काफी पुरानी हो गई है। और इतना प्राचीन बंगला होने के बाद भी इस बंगले में अभी तक कोई नुकसान या हानि देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये ब्रिटिश कला का एक अनोखा नमूना है। वर्तमान में यह बंगला उत्तराखंड वन विभाग के अधीन आता है। और इस बंगले से यह प्रमाणित होता है कि पुराने समय में अंग्रेजों ने इसे अपने दफ्तर या ऑफिस या रहने के लिए इस बंगले का प्रयोग किया होगा। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसे शासन प्रशासन की प्रक्रिया संचालित की होगी इस बंगले से। और इस बंगले की आप चारों तरफ देख सकते हैं, यह काफ़ी ऊंचाई पर है, एक पहाड़ी पर बनाया गया है यह बंगला। और इसके आगे से एक नदी जाती है। इसमें अधिकारियों के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी गर्म करने वाला सोलर वाटर हॉट वाटर सिस्टम लगाया गया है। वहीं अगर ऊर्जा की बात की जाए तो यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बीच जंगल में होने के कारण मित्रों यहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो जल विद्युत होती है उस ऊर्जा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा आप यहाँ देख सकते हैं, अगर वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा तो एक सौर ऊर्जा वहाँ पर है और थोड़ी बहुत सौर ऊर्जाएँ आपको आगे देखने को मिलेंगी। इस बंगले के आसपास काफ़ी घना जंगल है, और ऐसा घना जंगल है इसमें वन्य जीव भी रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो थोड़ा समय से आएँ, हम तो काफ़ी गलत समय से आए हैं मित्रों यहाँ पर, जो कि हम शाम को 5 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी अंधेरा होने वाला है दो मित्रों। तो आप यह अपने दिमाग में रखें कि जब भी इस बंगले को एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो आप समय से आएँ और समय से घर जाएँ। और आने समय हमें रास्ते में एक यहाँ पर जंगली मोर दिखाई दिया था, जो कि काफ़ी सुंदर था। हमने उसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, परंतु हम उसको अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए। बाइक की आवाज़ सुनकर वह मोर भाग गया। तो इस बंगले का हम आपको चारों तरफ का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, कैसा दृश्य है चारों तरफ बंगले का। और मैं चारों तरफ बंगले की परिक्रमा कर रहा हूँ। और यहाँ पर पुरानी टेक्नोलॉजी का हमें एक यंत्र मिला है, और इसका प्रयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता होगा शायद पुराने समय में। अब काफी इमारतें खंडरों में तब्दील हो गई हैं। ये गेट देख सकते हैं, तो इस गेट के पीछे काफी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो कि हाथियों को भगाने के लिए इसमें नुकीले लोहे के कील निकाले गए हैं, देख सकते हैं आप। बहुत साफ है,
और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि वन्य जीव हाथी नहीं और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव को भगाने के लिए ये बनाया गया है। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अपने सभी मित्रों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे एक इस रहस्यमय स्थान तक लाए और उसके बारे में थोड़े बहुत रोचक तथ्य मुझे बताया और उन रोचक तथ्यों को मैंने आपको बताया। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप समझ जाओ क्या करना है और खराब लगा होगा तो आप समझ जाओ। तो महाकाल के नाम से जय हिंद जय भारत।